बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली और फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूँ अफशीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों के बाल रूखे सूखे बेजान हैं। आप लोग इनको ठीक करवाने के लिए पार्लर्स के बहुत ज़्यादा चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को रिज़ल्ट ज़ीरो मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त किस्म का हेयर मास्क, जिसे आप लोग इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों के बाल ना सिर्फ लंबे होंगे, घने होंगे, बल्कि आप लोगों के बाल शाइन भी करेंगे और कुछ अरसे के इस्तेमाल से ये स्ट्रेट होना भी शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जब हम अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी पार्लर या सलोन में जाते हैं, तो वहाँ हमें जाते सारी बहुत सारे महंगे ट्रीटमेंट्स बता दिए जाते हैं कि आप ये वाले करवा लो, वो वाले करवा लो, आप लोगों के बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इन ट्रीटमेंट्स को करवाने के बाद कुछ अरसे तक हमारे बाल ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे बाल इतने ख़राब हो जाते हैं कि उनको दोबारा रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन कुछ ट्रीटमेंट्स में हैं जी केराटिन ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट और रिबाउंडिंग वगैरह। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त किस्म का हेयर मास्क शेयर करूं, आप लोग मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए जी, इस हेयर मास्क को बनाना करते हैं स्टार्ट। आप लोगों का इंतज़ार होने वाला है ख़त्म। सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है अंडा। हम लोग इसके अंदर एक पूरा अंडा शामिल करेंगे, लेकिन जिन लोगों के बाल ज़्यादा रुखे सूखे हैं वो इसके अंदर 2 वाइट एग्स शामिल कर लें, पूरे अंडे को शामिल ना करें। आप लोग जानते हो कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन अंडे के अंदर पाई जाती है। उसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा जेल। मैंने एलोवेरा जेल मेरे घर में पौधा लगा हुआ था वहाँ से लिया, आप लोग बाजार वाली ले लो, लेकिन आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जब इसे इस्तेमाल करना है इसका जो ग्रीन पार्ट होता है आप लोगों ने उसे रिमूव करके इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम लोगों ने 2 चम्मच के करीब दूध की बलाई लेनी है। आप लोगों ने कोशिश करनी कि आप लोगों ने दूध की बलाई लेनी है। अगर दूध की बलाई पॉसिबल नहीं है तो फिर आप लोग दूध की क्रीम या फिर दही का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हमें ज़रूरत होगी राइस पाउडर की। आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने राइस फ्लोर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि राइस पाउडर इस्तेमाल करना है। उसे इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों ने पीस लेना है चावलों को कि उसका एक अच्छी तरीके से पाउडर तैयार हो जाए। चावलों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, जो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके बाद हमें 1 टेबल स्पून देसी घी चाहिए। अगर आप लोगों के पास देसी घी मौजूद नहीं है, आप लोग उसकी जगह पर जैतून का तेल इस्तेमाल कर लें, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लोग देसी घी का इसके अंदर इस्तेमाल लाजमी करें। देसी घी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग अंडे को शामिल करेंगे। अंडे की आप लोगों ने जर्दी और सफेदी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतनी अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि आप लोगों को जब आप लोग सारी चीज़ों को शामिल करें तो आप लोगों को मुश्किल ना हो। अंडे को ऐड करने के बाद हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे एलोवेरा जेल। आप लोगों ने तकरीबन 1 टेबल स्पून करीब एलोवेरा जेल इसके अंदर लाजमी डालनी है। एलोवेरा जेल को भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से इस अंडे के अंदर मिक्स करना है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी डालेंगे। आप लोगों ने 1 टेबल स्पून से ज़्यादा देसी घी या ऑयल इसके अंदर शामिल नहीं करना। इसके अंदर शामिल करेंगे दूध की बलाई। दूध की मलाई डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे जी मिक्स। मिक्स इसलिए करते जाना है साथ साथ, ताकि बाद में मुश्किल ना हो मिक्स करने के अंदर। इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब राइस पाउडर शामिल करेंगे। आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप लोगों ने सिर्फ 1 चम्मच ही राइस पाउडर का इसके अंदर इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा आप लोगों ने राइस पाउडर का इसके अंदर
इस्तेमाल नहीं करना। मास्क हो गया है जी अच्छी तरीके से मिक्स। अब मैं बताती हूँ हम लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आप लोगों ने सिर्फ हफ्ते के अंदर 2 दिन इसका इस्तेमाल करना और अपने पूरे बालों के ऊपर आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है। आप लोगों ने इसको रूट्स के अंदर अप्लाई नहीं करना। तो इसका इस्तेमाल आधे घंटे के लिए अपने बालों में करें, उसके बाद इसे जो भी आप लोग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उसके साथ वॉश कर लो। आप लोग इस हेयर मास्क को लास्ट में ट्राई करें, आप लोगों को 100% रिजल्ट देगा। और अपने रिजल्ट मेरे साथ शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को इससे कितना फ़ायदा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।